नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल चुनाव में धन बल और बाहुबल का नहीं हो उपयोग, त्रिपाठी। चुनाव में पैसे का दुरुपयोग है भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण। चुनाव के समय मतदाता भी प्रलोभन से दूर रहें। चिंतक एवं विचारक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में पैसे का दुरुपयोग राजनीति के व्यवसायीकरण और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। लोकतंत्र के मूल्यों एवं मर्यादाओं का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों एवं नेताओं को पालन करना ही चाहिए। इसके अलावा मतदाताओं की भी यह जिम्मेदारी है कि वह योग्य एवं सेवाभावी उम्मीदवारों का चुनाव करें, ताकि चुनाव में निर्वाचित होने वाले विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा से कार्य करें। मतदाताओं को चुनाव के अवसर पर किसी तरह के प्रलोभन से दूर रहना चाहिए, ताकि चुनाव एवं लोकतंत्र की शुचिता कायम रह सके। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव, या यूं कहें कि महा उपचुनाव चल रहा है। अब उपचुनाव महा उपचुनाव है तो जाहिर है कि धन बल और बाहुबल का प्रयोग भी बहुत जोरों पर होगा। मीडिया आकलन की हम बात करें तो ऐसा आकलन है कि इस चुनाव में अरबों रुपए का खर्च होने वाला है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद है विचारक, चिंतक, प्रखर वक्ता श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर, बहुत स्वागत आपका। विषय तो मैंने आपको बता ही दिया, इस विषय पर आपके उद्गार। धन बल को कहे निर्बल, लोकतंत्र होगा सबल। कैसे? देखिए, भारतीय संविधान ये कहता है, निष्पक्ष, निर्भीक, योग्य, ईमानदार प्रत्याशी को चुने। जो धनबल का उपयोग करेगा वो ईमानदार कैसे हो सकता है जी? योग्य व्यक्ति धनबल का क्यों उपयोग करेगा? आज सरकार या निर्वाचन आयोग या प्रशासन से हटकर मतदाता की ये जवाबदारी हो जाती है कि जो भी धन के प्रलोभन से उनके मन या मत को प्रभावित करने की कोशिश करे, वह उस प्रत्याशी की पहली अयोग्यता मानी जानी चाहिए। कानून के शिकंजे में या उस दायरे में वो ना आ पाए, वो उसके सहयोगी, साथी, चेले चपाटे, जिस शब्द हम उपयोग कर रहे हैं, कभी कभी सत्ता, शक्ति और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मूल्यों से समझौते कहां तक कर लेगा, इसकी कल्पना नहीं जी। तो इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए कि कहने को तो कई बार थोड़ी स्तरहीन बात भी आ जाती है चर्चा में। गरीब लोगों से कहा जाता है, पैसे बांटेंगे ले लेना, वोट उसी को देना जिसको तुम्हारे मन, पैसे तो ले लेना। ये अच्छी बात नहीं है। ये तो सभाओं में कह देते हैं आला नेता, तो ये अच्छी बात इसलिए नहीं है। तुम बिको टिको, जो करना है करो। आम व्यक्ति को, आम वोटर को, आम मतदाता को क्यों बिकाऊ बना रहे हो? उसको क्यों पथभ्रष्ट कर रहे हो? आप क्या संकेत देना चाहते हैं? होना ये चाहिए कि दृढ़ता से धन कितना है, राशि कितनी, इसका मायना नहीं है। यदि आपको कोई धन बल से प्रभावित करता है तो मतदाता का कर्तव्य है कि बेबाकी से कहे कि आप धन के द्वारा जो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब दो चीज तो तय है कि आप ईमानदार नहीं है और आप योग्य नहीं है, मैं आपका चयन नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन ये परंपरा लागू हो जाएगी, अभियान है, समय लगता है, इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से धनार्जन करना चाहिए और सहज सरल योग्य ईमानदार प्रत्याशी को चुनते समय उसकी ईमानदारी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हो, वही आपके सुख दुख में काम आएगा और वही लोकतंत्र की सार्थकता के साथ लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और प्रमाणिकता को बढ़ाएगा। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।